करना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके सामने मैं चूंकि रिव्यू दे रहा हूं उसका, तो ये करने जा रहा हूं। और इसके लिए भी मैंने जो ये स्टिक यूज किया है ये करी लीव्स की है, इस वजह से इस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आप देखेंगे, ये देखिए, ये दिखाई पड़ रहा ना, ये देखो मैं, और ये देखिए आपको दिखाने के लिए मैं ये, इसके अंदर ये कुछ ऐसी जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं जो आपको हर बॉटल में देखने को मिल जाएंगी। इनको वैसे ही डाल देते हैं। मैंने स्टिक के रूप में ये करी लीव्स लिया था, क्योंकि इस पर भी ऐसे ही बहुत सी चीज़ें लगी होंगी, इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि कोई किसी प्रकार का इस पर बैड इफेक्ट पड़े, इसके लिए मैंने इस तरीके का उपयोग किया। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए मैंने इसको दिखा दिया है। अब आगे दिखाते हैं कि एक्चुअल में खरीदते वक्त भी मुझे ऐसा अंदाजा नहीं था कि ये आदिवासी तेल इतने शुरुआती दौर से ही अपने ऐसे अमेजिंग रिजल्ट देगा। पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं इसकी मत कीजिएगा, और लास्ट में मैं उस रिजल्ट के बारे में बताऊंगा जिसका मैंने स्वयं अनुभव किया हुआ है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल हक्की पिक्की आदिवासी जनजातियों के द्वारा बना हुआ आपको ओरिजिनल ऑयल देखने को मिलेगा। उसके परिणाम कैसे आएंगे वो भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए, नॉर्मल हेयर ऑयल की तरह ही है, इसमें देखा जाए तो हल्का भारीपन लगेगा, थोड़ा चिपचिपा लगेगा, और इस पर कोकोनट ऑयल की हल्की महक भी आपको महसूस होगी। साथ ही विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियाँ मिली हैं, तो उनका भी थोड़ा ना थोड़ा असर इस पर आपको दिखाई पड़ेगा। रही बात मेरे एक्सपीरियंस की, तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमारे YouTube चैनल गुरुजी ब्लॉग फतेहपुर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें वीडियो ब्लॉग ही नहीं बहुत से इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आने वाले हैं जो आप सभी के लिए मैं हमेशा लाता रहूंगा। चलो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये कि आखिरकार आदिवासी हेयर ऑयल मंगाए कहाँ से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगाने के पूर्व मैंने बहुत से प्लेटफॉर्मों पर सर्च किया। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे बड़े बिग शॉपिंग जो सेल्स होते हैं उन पर मैंने जानकारी इकट्ठा की, लेकिन पता लगा कि वहाँ बड़ा फ्रॉड चल रहा है भाई। तो मुझे एक ब्रॉडकास्ट चैनल जिस पर सोनू शर्मा जी ने करण आदिवासी का एक इंटरव्यू लिया था, वहाँ से इनका नंबर मिला। उसके पश्चात मैंने वीडियो कॉल की, वीडियो कॉल पर जब संतुष्ट हो गया, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं वीडियो कॉल डिलीवरी हो जाएगा सर, देखो और ये सारा तेल आएगा। अच्छा, इस टाइप का तेल आएगा। मैंने ऑर्डर किया एक्चुअल में, अगर आप हाफ लीटर यानी 500 ml का आप मंगाते हैं बॉटल, तो नमस्कार सर 1500 रुपए का। लेकिन अगर दो बॉटल मंगाते हैं 500 ml की, तो आपको ये मिल जाएगा 2500 यानी 2500 रुपए पे। मैंने फिलहाल ट्रायल बेस पर ये मंगाया था जो 1500 का मिला था। आगे जब बॉटल आप लेते हैं तो सबसे पहले आप देखिएगा इस पर लोगो, ये देखिए यहाँ पर लोगो बना हुआ है, ये हक्की पिक्की आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल का। इस लोगो से आप संतुष्ट हो जाइए। उसके पश्चात आप देख लीजिए, क्योंकि कई प्लेटफॉर्मों पर ये फोटोज वगैरह तो मिल जाएंगे, लेकिन इस पर जो साइट दिया हुआ है, नीचे इन्होंने अपनी वेबसाइट दी गई है, साथ ही इस पर इनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। ये आप किसी भी बॉटल पे हर जगह नहीं पाएंगे, क्योंकि इन कॉन्टैक्ट। अब रही बात इसके यूज करने की, जब भी आप ऑयल मंगाते हैं तो इसको शुरुआत के 5 दिनों तक लगातार आपको लगाना है। शाम को लगाइए और सुबह धुल लीजिए शैम्पू से। शैम्पू कोई भी यूज नहीं कर सकते, इसमें नॉर्मल जो क्लिंजर होता है उसी को उपयोग करें। खासतौर पर अगर कोई आयुर्वेदिक या पतंजल जैसे स्टोर से अगर आप ले लेते हैं तो उसका विशेष बेनिफिट आपको मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे करके एक छोटी सी कटोरी में, हल्का कटोरी में लेकर इसको अपनी फिंगर में, फिंगर टिप में लगाकर ऐसे फिंगर में लगाइएगा, और इसको बालों की जड़ों पर लगाना है। ये देखिए, नॉर्मल हेयर ऑयल की तरह ही है, साथ ही विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियाँ मिली हैं, तो उनका भी थोड़ा ना थोड़ा असर इस पर आपको दिखाई पड़ेगा। रही बात मेरे एक्सपीरियंस की, तो आपको मैं एक जेन्यून एक्सपीरियंस अपना बताना चाहूँगा। अमूमन होता यह है कि जो जिन लोगों के बालों की समस्या हो जाती है या बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, तो वो उनका एक टाइम होता है, खासतौर पर
ये जो मई जून जुलाई अगस्त तक का पीरियड होता है जब ह्यूमिडिटी बहुत होती है, मौसम में चिपचिपापन हो जाता है, तो बालों में भी उसका असर दिखाई पड़ता है। और इस दरमियान जब अगर आप अपने बालों पर आयल लगाते हैं, तो बालों में आयल लगाने पर होता क्या है कि बाल आपके टूटकर फिंगर टिप पे आ जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जब मैंने इस पर महसूस किया, क्योंकि अभी लगाना शुरू ही किया है, लेकिन शुरुआत में ही इतने अमेजिंग रिजल्ट वास्तव में उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब इस आयल को मैंने लगाया देखने में तो बड़ा चिपचिपा है और भारीपन भी महसूस होगा, लेकिन लगाने के पश्चात आप फिर एक बार देखिएगा, ये आयल लगाया फिंगर टिप में, इसको मैंने ऐसे रब किया पूरे में, हल्के हाथों से धीरे धीरे इस पर मसाज करना है, और मसाज करने के पश्चात ये मैंने रब किया, और रब करने के पश्चात आप बिना संकोच के आप देखिए किसी भी फिंगर टिप में किसी भी प्रकार का हेयर नहीं। और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसके पहले मैं जो भी नॉर्मल कोई भी कंडीशन का आयल अगर मैंने यूज किया है तो उस पर बाल टूट के आ ही जाते। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि आयल लगाने में भी किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं होगा या किसी प्रकार का डर नहीं होगा कि हाँ इस पर चिपचिपापन है और बाल टूटेंगे। शुरुआत से ही इस पर लगाने पर बाल नहीं टूटेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि लगाने के पश्चात आप इसे जब वॉश करते हैं तो बालों में एक अलग बाउंस दिखाई देगा। उन्होंने तो ये बताया है कि करीब 15 दिन पश्चात इसके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो रिजल्ट तो 15 दिन पश्चात आएंगे, लेकिन लगाने के दरमियान आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही, इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू है जो मैं आपके सामने दे रहा हूँ। निश्चित रूप से जो भी हमारे द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई आपको पसंद आई होगी। इसकी छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ों को मैंने बताने का प्रयास किया है, और अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो आप इसे ज़रूर मंगा सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमारे इनबॉक्स में आकर, कमेंट बॉक्स में आकर आप कमेंट कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका नेक्स्ट रिव्यू जो होगा, जो अच्छे खासे समय के पश्चात, यानी जब इसका पूरी तरह से उपयोग कर लिया जाएगा, इसका रिजल्ट देख लेंगे, उसके पश्चात ही आपको देंगे। फिलहाल एक बॉटल को यूज़ करने में ही 3 मंथ का समय लगता है, तो नेक्स्ट रिव्यू 1 मंथ पश्चात या फिर 2 मंथ पश्चात आपको देंगे, क्योंकि 15 दिन बाद अगर रिजल्ट आना शुरू हो जाता है तो निश्चित रूप से महीना और 2 महीने पर कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। फिलहाल आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी लगी होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये कि इस पर आप केवल व्लॉग ही वीडियो देखने को नहीं पाएंगे, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने सुनने को मिलेगी, जो ट्रेंडिंग टॉपिक में भी हो सकते हैं और आपकी समस्याओं से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो स्टे ऑन, बने रहिए और कीप वॉचिंग। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।